करके अगर आप छिप जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप पुलिस के गिरफ्त से बच जाएंगे तो ये आप गलत सोचते हैं। जी हाँ, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। और बीते दिनों जो 29 तारीख को बीते महीने नासरीगंज में गोलीकांड हुई थी जिसमें अमियावर के जिम संचालक आदि श्रीवास्तव की मौत हुई थी, उसी मामले को पुलिस ने उस गुत्थी को सुलझा दिया है और उसमें एक अपराधिक अभियुक्त जो नामजद नहीं था, एक शॉर्प शूटर जो पेशेवर शॉर्प शूटर था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम बता दूं और घटना में उसने किसका किसका नाम बताया है ये भी मैं आपको बता दूं, परंतु इसके पहले पूरी घटना के बारे में समझिए। बीते 29 तारीख को जिम संचालक आदि श्रीवास्तव को नासरीगंज थाना मोड़ के समीप जो झझरिया पुल है वहाँ पर शॉर्प शूटरों के द्वारा 8 गोलियाँ दाग दी जाती है और उसकी तत्काल मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके साथ एक और व्यक्ति था, वो भागने में कामयाब रहता है। और पुलिस की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुलिस पकड़े तो किसी को पकड़े, लेकिन आदि श्रीवास्तव के भाई के द्वारा उसी गांव के रहने वाले 8 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें बिरजू पासवान की गिरफ्तारी तत्काल हो गई थी और 7 जो अन्य व्यक्ति थे जिसमें गांधी चौधरी, प्रियंका चौधरी, अन्य समाज के लोग थे, उनको उन्होंने नामजद बनाया था। परंतु समस्या ये थी कि कुछ लोग अस्पताल में अपनी पत्नी के डिलीवरी में थे, कुछ लोग विदेश के माने चल गए हैं, तो सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी कि घटना के वक्त जो कोई व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति है घटना में नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती हुई थी और पुलिस के लिए चुनौती थी। और जिसको मेन अभियुक्त बताया जा रहा था, नामजद किया हुआ था, जो बताया था मृतक के भाई ने कि गांधी चौधरी का जिसको मैं इस घटना में मुख्य हाथ है, तो मैं बता दूं कि गांधी चौधरी ने ये बताया था कि 19 तारीख से ही मैं बाहर में हूँ, दिल्ली सहित कई जगहों का मैं भ्रमण पर हूँ और अमरनाथ की यात्रा भी कर रहा हूँ, इस घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। उन्होंने दर्जनों फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि मैं क्षेत्र में नहीं हूँ और लोग मुझे फंसा रहे हैं, पर सच्चाई जान करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि एक शॉर्प शूटर जो सासाराम उपस्थित थाना क्षेत्र के शाहपुर के रहने वाला है, उस शॉर्प शूटर को अकोढ़ी गोला से नासिरगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस शॉर्प शूटर का नाम छोटू राम बताया जाता है, जो सासाराम उपस्थित थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस ने इस मामले में ये बताया कि वह दर्जनों आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है और कई मामलों में उसकी प्राथमिकी दर्ज है और वो पेशेवर अपराधी है और उसने इस चीज़ को कबूला है कि घटना को अंजाम हमने ही दिया है और उन्होंने अपने साथियों को नाम भी बताया है। लेकिन इस जांच के क्रम में, इस जांच के घड़ी के क्रम में पुलिस उसको रिमांड पे ले रही है और यह बताएगा कि किसके कहने पर उसने इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। और जैसे ही मुझे नासिरगंज थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर अमित कुमार जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि लगभग मामला सुलझ ही गया है और इसमें कोई उलझन नहीं है, यानी कि पुलिस जो है अपना काम कर चुकी है, बशर्ते सिर्फ उसको धरातल पर लाना है, मीडिया के सामने या अन्य अधिकारियों के सामने रखना है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस 8 व्यक्तियों को मृतक के भाई ने नामजद किया था, उस 8 में से छोड़ करके एक अपराधी जो पेशेवर अपराधी है, जो अपराधिक था शॉर्प शूटर, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उसकी गिरफ्तारी के मामले में गुप्त सूत्रों से पता चला है कि किसी व्यक्ति के साथ साथ लगातार कई महीने पहले वो संपर्क में था। ये सूत्र की खबर है, ये इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन 7-8 महीने पहले उक्त व्यक्ति जो अपराधी है, जो छोटू राम है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के साथ लगातार फोन के टचिंग में था। तो देखिए वह किसका किसका नाम बताता है और क्या घटना एक नया रूप लेती है। 1-2 दिन इंतजार करिए और इस घटना को तो पुलिस कह रही है कि हमने सुलझा दिया है। फिलहाल इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, क्या प्राथमिक जो नामजद दर्ज हुए थे उसमें से कोई अपराधी है या अपराधिक ही है, मामला क्या है,
ये हम आपको आगे के वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि जिम संचालक आदि श्रीवास्तव को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या पूर्ण रूप से जांच कर ही जो दोषियों के नाम है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।